वेलकम बैक रॉकर्स। मूवी की कहानी को मध्यकालीन युग में इंग्लैंड देश में सेट किया गया है और मूवी की शुरुआत में एक राजा की सुंदर बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम लेडी मारियन होता है और वो अपने शाही बाथरूम में गाना गा रही होती है। तभी उसकी नौकरानी ब्रॉमहिल्डे आती है और उसको तैयार होने को कहती है। और जब लेडी मारियन बाथटब से बाहर आती है तब हमें पता चलता है कि उसने एक लॉक पहना हुआ है जो उसके पिता ने उसे बुरे लोगों से बचाने के लिए लगाया है। पर दुर्भाग्य से उस लॉक की चाबी गुम हो जाती है और मारियन काफी समय से उस इंसान को ढूंढ रही होती है जो इस ताले को खोल सके। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कुछ इंसानों का ग्रुप जो हिप हॉप गाने पर डांस कर रहा होता है और उसमें से एक डांसर गाना गाते हुए बताता है कि कैसे प्रिंस जॉन और उसके शेरिफ ने इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया और वहां के लोगों पर गलत तरीके से बहुत ही ज्यादा टैक्स लगा दिया है। इसके बाद जेरूसलम देश की एक जेल में हमें इस मूवी के लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम रॉबिनहुड है और रॉबिनहुड को धर्म के नाम पर युद्ध करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे एक जेल में मुख्य कमरे में ले जाया जाता है। तभी उनमें से गार्ड उसे पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, पर रॉबिन कुछ नहीं बोलता जिसके कारण वो गार्ड उसकी जीभ को ढीले करने वाले औजार से उसे सजा देता है और रॉबिन कुछ नहीं कर पाता। और फिर थका हुआ गार्ड रॉबिन को चेन से बांधता है। तभी रॉबिन के पास बैठा हुआ कैदी जिसका नाम असनीस होता है वो बोलता है कि वो दोबारा तुमसे पूछताछ करेंगे। और फिर गार्ड के जाने के बाद दोनों कैदी एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं और जल्द ही उन दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। रॉबिन को बंदी किसी गंभीर कारण से बनाया गया था जबकि असनीस को सिर्फ सड़क पर चलने के कारण जेल में डाल दिया गया है। और जल्द ही वो दोनों यहाँ से फिर भागने की योजना बनाते हैं और फिर मेटल बार पर प्रहार करते हैं जो कि उनकी जंजीरों को पकड़े हुए है और किस्मत से वो बार भी टूट जाती है और अब वो दोनों अपने आप को आजाद कर लेते हैं। और फिर वो दोनों जेल में बंद सभी लोगों को आजाद करके वहां से मिलकर वेंटिलेटर के रास्ते भाग जाते हैं। अब अगले सीन में हमें रॉबिन और असनीस को किसी समुद्र तट पर दिखाते हैं जहां पर रॉबिन असनीस को धन्यवाद करता है क्योंकि उसने जेल से भागने में उसकी मदद की है और इसी दोस्ती के कारण वो किसी भी परिस्थिति में उसकी मदद करने का वादा करता है। अब ये सुनकर असनीस अपनी जेब से एक तस्वीर निकालता है जो कि उसके बेटे की होती है जिसका नाम अकू होता है। फिर वो तस्वीर रॉबिन को देता है और उसे अपने बेटे की देखभाल करने का अनुरोध करता है जो कि इंग्लैंड में है। अब रॉबिन उसे पूछता है कि अकू इंग्लैंड में कैसे चला गया और फिर असनीस बोलता है कि वो एक्सचेंज स्टूडेंट कोटे से वहां पर गया है। और तब रॉबिन अकू की देखभाल करने का वादा करके वहां से चला जाता है। अब एक सामान्य इंसान की तरह नाव पर यात्रा करने के बजाय वे पूरे रास्ते को स्विमिंग करके जेरूसलम से इंग्लैंड में जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद वो एक घोड़े पर चढ़ जाता है और अपने घर की तरफ चलने लगता है। और रास्ते में वो जा रहा होता है तभी अचानक से वो कुछ सैनिकों को एक अफ्रीकन लड़के को मारते हुए देखता है और फिर रॉबिन जल्दी से ये अनुमान लगा लेता है कि ये तो अकू ही होगा क्योंकि इस इलाके में और कोई भी अफ्रीकन नहीं है। अब वो लड़के को बचाने के लिए दौड़ता है और अपने अच्छे लड़ने के हुनर के कारण आसानी से सभी को हरा देता है। अब उसके बाद वो दोनों घोड़े पर बैठकर रॉबिन के घर लॉक्सली हॉल की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर को एक आदमी खींच कर लेके जा रहा होता है। तभी रॉबिन गुस्से में उस आदमी के सामने जाता है और पूछता है कि ये चल क्या रहा है, पर वो आदमी बस उसको एक लेटर देता है। और जब रॉबिन उस लेटर को पढ़ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि प्रिंस जॉन ने समय पर टैक्स न भरने के कारण उसका घर जब्त कर लिया है। अब रॉबिन अपनी पूरी कोशिश करता है उस आदमी को समझाने की कि वो जेरूसलम के जेल में बंद था जिसके कारण वो टैक्स नहीं दे पाया, पर वो आदमी उसकी एक भी नहीं सुनता और घर को लेके वहां से चला जाता है। और फिर ये देखकर रॉबिन बहुत ही उदास होता है कि अब करूं क्या। और तभी उसे अपना अंधा नौकर बिल्किन याद आता है और दोनों को बहुत दिनों के मिलने के बाद खुशी भी होती है। पर रॉबिन जल्दी फिर से उदास हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके पिता का निधन हो गया है। और फिर बिल्किन बोलता है कि उसके दूर रहने के कारण उसकी माँ, भाई, कुत्ता, बिल्ली और सुनहरी मछली भी मर गई है। और इसी बीच बिल्किन बात करते हुए रॉबिन को एक पेंडेंट देता है और बोलता है कि ये उसके पिता का आखिरी उपहार है। फिर वो पूछता है कि इसके अंदर क्या है। बिल्किन कहता है कि इसमें इस दुनिया के सबसे बड़े खजाने की चाबी है। उसके बाद रॉबिन अकू का बिल्किन से परिचय करवाता है और जब तीनों बात कर रहे होते हैं तभी एक लड़का जंगल से उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है और एक अच्छे इंसान होने के खातिर रॉबिन उस लड़के से पूछता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। फिर लड़का बोलता है कि उसका पीछा रॉटिंगम का शेरिफ कर रहा है। और थोड़ी देर में शेरिफ अपने आदमियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और लड़के को वापस मांगता है, लेकिन रॉबिन इसके लिए मना कर देता है जिसके कारण उनमें काफी कहासुनी होती है और रॉबिन सबके सामने शेरिफ की बेइज्जती भी करता है। अब इससे पहले कि वो उस ग्रुप को दूर भेजता है वो प्रिंस जॉन से बदला लेने की कसम खाता है। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉटिंगम का शेरिफ प्रिंस जॉन से मिलता है और वो उसको बताता है कि रॉबिन उसके पीछे आ रहा है। और फिर हमें पता चलता है कि उस साम्राज्य के शासक के रूप में प्रिंस जॉन एक्टिंग कर रहा है जबकि उसका भाई जो राजा है वो धर्म युद्ध में लड़ने के लिए गया है और यहाँ पर राजा का भाई बैठा हुआ है जो अब असली राजा के न होने पर वहाँ पर लोगों पर ज्यादा टैक्सेस लगा रहा है।
अब इस बात से रॉबिन डरने लगता है और परिस्थिति को संभालने के लिए कुछ सोचने लगता है। और जब उसको कोई समाधान नहीं मिलता तो वो किसी काल कोठरी में जाता है, जहां वो एक लिट्रीन नाम की डायन से मिलता है। जॉन लिट्रीन को अपनी पूरी बात बताता है और उससे रॉबिन को हराने का तरीका भी मांगता है। लिट्रीन मदद करने के लिए सहमत भी हो जाती है, लेकिन बदले में वो जॉन से अपने क्रश शेरिफ, जो कि शहर या जिले का हाकिम है, उसके साथ करीब आने में मदद मांगती है। हालांकि प्रिंस को यकीन है कि शेरिफ इस डायन के करीब कभी नहीं आएगा, फिर भी वो हाँ बोल देता है। और फिर हम देखते हैं कि रॉबिन और उसका दल महल पर जाने के लिए जा रहे होते हैं, पर उन्हें एक पुल पर लिटिल जॉन का एक बहुत ही बड़ा दानव रोक देता है। अब रॉबिन उस लिटिल जॉन को बोलता है कि हमें जाने दो, पर लिटिल जॉन उन्हें बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले टोल टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन रॉबिन मना कर देता है और फिर दोनों लड़ाई करने लगते हैं। अब साइज में छोटा होने के कारण भी रॉबिन उस विशाल दानव को हरा देता है और पास की नदी में फेंक देता है, पर लिटिल जॉन को तो तैरना ही नहीं आता और वो डूबने लगता है। लेकिन जब लिटिल जॉन बहुत कोशिश कर रहा होता है तो वो उसकी मदद कर देता है, जिसके कारण वो उस लिटिल जॉन का भरोसा जीत लेता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब जाने से पहले लिटिल जॉन उसे अपना सबसे बड़ा दोस्त बोलता है, और चाकू चलाने में एक्सपर्ट होने के कारण वो किसी भी चीज को हवा में दो टुकड़े कर सकता है। और अपना परिचय देने के बाद वो पांच लोगों का ग्रुप प्रिंस जॉन के महल के अंदर जाना शुरू करते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस जॉन और शेरिफ महल के अंदर एक पार्टी कर रहे होते हैं, और जल्दी जॉन की भतीजी लेडी मारियन भी उन दोनों के साथ शामिल होती है और उत्सव को देखने लगती है। अब शेरिफ मारियन की सुंदरता के कारण उसको छेड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वो तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं देती। तभी जॉन एक मरे हुए सुअर को अपने कंधे पर लेकर अंदर घुसता है और उसे शाही टेबल पर गिरा देता है। जॉन और शेरिफ ये देखकर बहुत ही गुस्सा होते हैं, पर मारियन को एक बहुत ही अच्छा लगता है और वो उससे प्रभावित भी होती है। फिर रॉबिन अपना परिचय मारियन को देकर उसके हाथ पर किस करता है और गुस्से में आकर शेरिफ रॉबिन को लड़ने के लिए चुनौती देता है। और फिर रॉबिन शेरिफ से फ्लोर को साफ कराता है, और इसीलिए तभी प्रिंस अपने पहरेदारों को बुलाता है। अब रॉबिन कुछ देर तक तो बहादुरी से लड़ता है, लेकिन पहरेदार अधिक संख्या में होते हैं, और जब कोई उम्मीद नजर नहीं आती तब रॉबिन के ग्रुप के लोग अंदर घुसते हैं और पहरेदारों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही समय में वो सभी बुरे लोगों को वश में करके लेडी मारियन के साथ साथ वहां सभी को प्रभावित कर देते हैं। अब जाने से पहले रॉबिन जॉन को चेतावनी देता है कि वो टैक्सेस को कम कर ले, नहीं तो अगली बार उसको खत्म कर देगा वो। अब अगले सीन में लिटिल जॉन लड़ने के लिए कुछ आदमियों को इकट्ठा करता है, पर रॉबिन अपने बोरिंग भाषण के कारण किसी को भी प्रभावित नहीं कर पाता। अब ये देखकर अकू आगे बढ़ता है और अपना चश्मा फेंकता है और एक बड़ा इंस्पायरिंग भाषण देता है, जो कि 3 वर्ड्स का होता है, और ये सुनकर लोगों की भीड़ बहुत ही खुश हो जाती है और वे रॉबिन के साथ उस इंग्लैंड के अत्याचारी राजा के खिलाफ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। फिर अगले सुबह सभी लोग रॉबिन हुड्स की तरह तैयार होकर बिल्कुल ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, और रॉबिन उन सभी को ट्रेनिंग में लीड करता है। पर उन लोगों में कुछ तो फाइट में इतने खराब होते हैं कि वो डमीज को भी नहीं हरा पाते। और अब वहाँ महल में दिखाते हैं तो शेरिफ रॉबिन को मारने के लिए इटालियन माफिया डॉन गिबोवानी को बुलाता है। गिबोवानी अपने साथ 2 साथियों को लाया है, एक है म्यूट असासिन जिसका नाम है डर्टी इजो, और दूसरा है फिल्थी लुका जिसने तीरंदाजी में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। और फिर काफी बातचीत करने के बाद वो दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि रॉबिन को तीरंदाजी की प्रतियोगिता के लिए बुलाएंगे, जहां पर फिल्थी उसको मार देगा, और जब रॉबिन की भीड़ लोगों के खिलाफ होगी और उसे हारा हुआ बोलेगी तब डर्टी इजियो चुपके से उसकी हत्या कर देगा। और इस प्लान को सुनकर सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं, पर इन सब की सारी बातें लेडी मारियन सुन लेती है और जल्दी सारी बात अपने नौकरानी को बता देती है। फिर दोनों थोड़ी देर बात करने के बाद महल से बाहर जाकर रॉबिन को सारी बात बताने की योजना बनाते हैं, और फिर लेडी मारियन अपने घोड़े को बुलाती है और उस पर कूद जाती है। पर जब ब्रूमहिल्डे की बारी आती है तब घोड़ा आगे चला जाता है, जिसके कारण वो फर्श पर ही गिर जाती है। और फिर थोड़ी देर में वो रॉबिन के शिविर में पहुंच जाती है और शेरिफ के प्लान के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर वो इस मुसीबत से बाहर रहने की कसम खाता है, पर जब मारियन महल में तीरंदाजी की प्रतियोगिता के बारे में बताती है तो उसे फिर से दूसरे विचार आने लगते हैं। और अगर बात तीरंदाजी की प्रतियोगिता की है तो भले ही उसका जीवन खतरे में क्यों ना जाए, अब तो उसको इस उत्सव में शामिल होना ही पड़ेगा। अब इसके बाद रॉबिन अपने लोगों को एक शो दिखाता है और पर्दे के पीछे से गाने लगता है। फिर वो अपनी तलवार निकालता है, पर पर्दे से दूसरी तरफ के लोग कुछ और ही सोचने लगते हैं। अब शो खत्म होने के बाद वो मारियन को एकांत में लेके जाता है और उसके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगता है। पर जैसे ही वो उसके साथ संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके नीचे तो ताला लगा हुआ है। फिर मारियन उसको बताती है कि ये चीज उसके पापा ने उस पर लगाई है ताकि वो शादी से पहले कुछ वैसे काम न कर ले। अब ये सुनकर रॉबिन उसे किस करने की कोशिश करता है, पर ब्रॉमहिल्डे उसको रोक देती है और बोलती है कि हमें देरी हो रही है, हमें जाना है। फिर दोनों अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं और जाने से पहले रॉबिन उसको फिर से मिलने की कसम खाने लगता है। अब अगले सीन में हमें महल दिखाया जाता है, जहां पर वार्षिक तीरंदाजी प्रतियोगिता होने वाली होती है।
और दुनिया के बहुत से कौशल तीरंदाज इनाम को जीतने की उम्मीद के लिए वहाँ पर आए होते हैं। अब रॉबिन भी उन लोगों के साथ वहाँ पर होता है और वो सभी लड़कियों की ड्रेस में होते हैं और रॉबिन एक बूढ़े आदमी की ड्रेस में होता है। अब जल्दी प्रतियोगिता शुरू होती है पर सिर्फ दो ही इंसान बुलाए पर मार पाते हैं और वो दोनों और कोई नहीं फिल्थी लूका और रॉबिन होते हैं। अब ये देखकर शेरिफ जल्दी जान जाता है कि वो दूसरा इंसान रॉबिन ही है जिसने अपना रूप बदला हुआ है। अब इसी बीच में डर्टी इज़ो पास के एक टावर में छिपकर रॉबिन पर शूट करने के लिए तैयार होता है और रॉबिन और फिल्थी लूका के बीच पहला मैच ड्रॉ हो जाता है। फिर उन्हें दूसरा मौका दिया जाता है। अब रॉबिन पहले जाता है और फिर से बुलाए पर निशाना लगाता है और फिर वो अपनी ओल्ड ड्रेस को निकालकर सबको बताता है कि वो कौन है। अब ये देखकर मारियन बहुत ही खुश होती है। हालांकि जब फिल्थी लूका की बारी आती है तो वो एक अच्छे लक्ष्य के साथ रॉबिन के तीर के ऊपर ही अपना तीर मारकर डबल बुलाई कर देता है और ये देखकर लोगों की भीड़ फिल्थी लूका के लिए जय जयकार करना शुरू कर देती है और उसी समय पर रॉबिन को हारा हुआ कहने लगती है। अब ये सुनकर रॉबिन को बड़ा ही सदमा लगता है क्योंकि वो कभी भी तीरंदाजी प्रतियोगिता में नहीं आ रहा था। तभी वो मूवी की स्क्रिप्ट को निकालता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं और किस्मत से उसको पता चलता है कि उसके पास अभी भी एक और शॉट बचा हुआ है। फिर जॉन और शेरिफ भी स्क्रिप्ट को देखते हैं और इसको मान लेते हैं। तो फिर बिना समय गंवाए रॉबिन अपना तीर निकालता है लेकिन जैसे ही वो शूट करने के लिए तैयार होता है फिल्थी लूका उसको धक्का दे देता है पर फिर भी तीर पूरे दर्शकों के बीच से हवा में जाते हुए बुलसाई पर लग जाता है और जिससे वो ये प्रतियोगिता जीत जाता है और ये साबित हो जाता है कि मूवी के राइटर्स अपने हीरो को जिताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब रॉबिन अपने जीत का जश्न मना रहा होता है और ये देखकर शेरिफ अपने आदमियों से रॉबिन को गिरफ्तार करने को बोलता है। अब ये देखकर लेडी मारियन डर जाती है और शेरिफ से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है पर अगर वो रॉबिन को जाने दे। अब शेरिफ उसकी बात मान जाता है और उसको छोड़ देता है। फिर वहां पर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। अब अगले सीन में दिखाते हैं तो जल्लाद रॉबिन की गर्दन में फंदा लगा देता है ताकि मारियन का मन न बदले और फिर जल्दी शेरिफ अपनी मंत्री के साथ आता है। अब उसके बाद मारियन एक खूबसूरत ड्रेस में होती है और उसके साथ उसका चाचा प्रिंस जॉन भी होता है जिसके कारण रॉबिन को सब कुछ पता चल जाता है। और जैसे ही शादी का समारोह शुरू होता है तो शेरिफ तुरंत शादी की प्रतिज्ञा के लिए बोल देता है पर जब मारियन की बारी आती है तो वो हिचकी जाती है और तभी हम वहाँ पर अकू को देखते हैं और वो एक तीर की मदद से रॉबिन की रस्सी को काट देता है जिसके साथ ही एक लड़ाई शुरू हो जाती है जैसे ही रॉबिन की अपनी पहरेदारों से लड़ाई शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पर इस तरह अफरा तफरी मच जाती है और शेरिफ मारियन को पकड़ लेता है और जबरन उसे अपने कमरे में लेकर उससे प्यार करने की कोशिश करता है पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसे उस पर एक लॉक दिखता है और फिर शेरिफ एक ड्रिलिंग मशीन लेकर आता है और ताला तोड़ने का बड़ा ही प्रयास करता है लेकिन वो टूट ही नहीं पाता। और तभी रॉबिन कमरे में आता है और शेरिफ को एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है। अब दोनों आगे और पीछे हो रहे होते हैं और इसी दौरान रॉबिन का पेंडेंट चकनाचूर हो जाता है और उसमें से एक चाबी निकलती है और ये हैरानी की बात होती है कि चाबी ताले पर पड़ते ही उसमें पूरी तरह से फिट हो जाती है जिसका मतलब है कि मारियन की वर्जिनिटी देश का सबसे बड़ा खजाना है। अब ये देखकर वो सभी विचलित हो जाते हैं लेकिन फिर जल्दी अपनी लड़ाई को शुरू करते हैं और कुछ समय के बाद रॉबिन ग्राथी से शेरिफ को तलवार मार देता है जिससे कि शेरिफ फर्श पर घायल पड़ा होता है। अब लिटरिन उसके पास आती है और कहती है कि उसके पास एक गोली है जो उसको मौत से बचा सकती है पर वो ये गोली उसको तभी देगी जब वो उससे शादी करने का वादा करेगा। अब कोई विकल्प न होने के कारण शेरिफ मान जाता है और उसको बचा लिया जाता है। फिर लिटरिन उसको घसीटकर अपने साथ लेके जाती है। मूवी के लास्ट सीन में रॉबिन और मारियन सबके सामने शादी कर लेते हैं और तभी राजा अपने युद्ध से लौटता है और अपने भाई की बुराई और क्रूरता की निंदा करता है और फिर वो जॉन को बंदी बनाने का आदेश देता है और रॉबिन को उसकी बहादुरी और वीरता के लिए पुरस्कृत करता है और इससे राजा रॉबिन को घर वापस लौटा देता है और लोगों पर लगे हुए अनुचित टैक्सेस को भी वापस दे देता है। अब इसी के साथ रॉबिन और मारियन एक दूसरे को किस करते हैं और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब रॉबिन मारियन के साथ प्यार करने की कोशिश करता है तब उसे पता चलता है कि उसके पास जो चाबी है उससे भी ताला नहीं खुलेगा। फिर रॉबिन एक ताला बनाने वाले को बुलाता है और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें और आपके कमेंट्स भी हमारे लिए बेहद जरूरी हैं और हाँ साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।